लानत है ऐसी सरकार पर, ऐसे प्रधानमंत्री पर, जिनके होते हुए हमारे हजारों निर्दोष मछुआरे विदेशों की जेलों में यातनाएं झेल रहे हैं। और जो मछुआ समुदाय के कारोबार थे उनको, अदर कास्ट के लोगों को भारतीय जनता पार्टी 10 साल से कर रही है और हमारे रोजगार को भी छीना जा रहा है। मोदी सरकार SC ST OBC समाज के लोगों को कोई हक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। क्या लग रहा है जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप कैसे देखते हैं? वो भी एक राजनीति स्टंट है, इसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है। न्यायपालिका में चंद्रचूड़ जी ने EVM के ऊपर कितना संज्ञान लिया, मगर उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? इस किस्म की जैसे अंग्रेज राजनीति करते थे, उसी तरह से आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। फूट डालो, शासन करो। नमस्कार, मैं शरण कुमार और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से पूरे देश से जो मछुआ समाज है, जो इसे निषाद समाज कहा जाता है और आमतौर पर केवट भी कहा जाता है, वो यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है और उनका साफ साफ मांग है कि जिस तरह से जो मछुआ समाज है, जो मछुआरा समाज है, जो मछरिया पकड़ते समय अन्य देशों में चला जाता है, उसको मोदी सरकार वापस और देश लौटा। इसको लेकर यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। आप तो सभी लोग जानते हैं कि एकलव्य सेना के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाष जी। क्या कहेंगे सर आप लोग यहाँ के, दिल्ली के जंतर मंतर पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की क्या मांग है? हमारी डिमांड ये है, मैं एकलव्य सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष कश्यप, जो बहन फिरंगना फूलन देवी ने जो संगठन बनाया था उसको पूरे हिंदुस्तान में चलाने का काम कर रहे हैं और गरीब शोषित की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ऑल इंडिया फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जिसकी हमारी डिमांड ये है कि आज पाकिस्तान में हमारे मछुआ समुदाय के पोरबंदर एरिए के मछुआरे 10 साल से कैद हैं। मोदी सरकार को कई बार ज्ञापन देने के बाद भी आज तक मोदी सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। इसी तरह से श्रीलंका के अंदर हमारे 115 मछुआरे, उनकी नावें वगैरह सब कुछ जो है ना अपने अंडर में लेकर श्रीलंका के अंदर उन्होंने कैद कर लिया है और उनके साथ जास्तियां करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो इस विषय के अंदर हमारी भारत सरकार, मोदी सरकार से पुरजोर विरोध करते हैं कि भाई हमारे लोगों को उनकी जेलों से छुड़ाकर हिंदुस्तान के अंदर वापसी कराई जाए और जो मछुआ समुदाय के कारोबार थे उनको, अदर कास्ट के लोगों को भारतीय जनता पार्टी 10 साल से कर रही है और हमारे रोजगार को भी छीना जा रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मछुआ समुदाय की जो भी दुर्दशा है उसको देखते हुए मोदी सरकार बिल्कुल आंख मूंद कर बैठी है और इस समाज के ऊपर जितना अत्याचार और शोषण अभी के 10 साल के अंदर हुआ है हिंदुस्तान में कभी भी नहीं हुआ। इसके लिए हम अपने समाज से सभी को संगठित होकर सत्तासीन सरकार के खिलाफ आह्वान करते हैं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करें और सभी हमारे हक अधिकार हमारे को मिल पाएंगे। जय हिंद, जय संविधान, जय फूलन। आप लोग जिस तरह से मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विश्व गुरु से आप लोग कैसे मांग किए हैं? जिनका डंका पूरे विश्व में बजता है वो अपने मछुआ समुदाय को लाने में विफल हो रहा है, किस तरह से आप लोग मांग किए हैं? देखिए सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देश के कोने कोने में बस रहे मछुआरों तक संदेश देना चाहूँगा कि जो मोदी सरकार आज केंद्र में बैठी है वो केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए विदेशों की यात्राएं कर रही है। लानत है ऐसी सरकार पर, ऐसे प्रधानमंत्री पर और सरकार में बैठे हुक्मरानों पर, जिनके होते हुए हमारे हजारों निर्दोष मछुआरे विदेशों की जेलों में यातनाएं झेल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लालत है, आप सुने होंगे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध मोदी जी रुकवा देते हैं और अपने अपने देश के लोगों को वापस नहीं बुला पा रहे हैं, जब आरोप लगा रहे हैं आप। जी ये आरोप नहीं है, ये सत्य बात है। जब हमारे मछुआरे
954 मछुआरे पाकिस्तानों की जेलों में कैद थे, उनके मछुआरे 800 हमारे देश में थे, 800 के बदले 800 छोड़ दिए और 154 मछुआरे आज भी दसों सालों से वो जेल में है या मार दिए गए या कौन सी उनको यातनाएं दी जा रही है, क्या प्रधानमंत्री को ये चीज़ याद रही है? क्या कहेंगे सर आप जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में आप लोग आए हैं, क्या आप लोग की आवाज़ मोदी तक पहुंच जाएगी, मोदी सरकार तक? मैं आपके चैनल के माध्यम से और राष्ट्रीय एकलव्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुभाष चंद्र कश्यप जी के नेतृत्व में हम कई बार बता चुके हैं, पर माननीय नरेंद्र मोदी जी तो ये बात सुनते ही नहीं। इस देश के अंदर सिर्फ एक ही सांसद है जो श्री राहुल गांधी जी हैं, जो मछुआ समाज के बारे में सोचते हैं और बोलते हैं और करते हैं। विपक्ष के नेता हैं, क्या लग रहा है कि संसद भवन में सवाल उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे जी, हमें 100% उम्मीद है श्री राहुल गांधी जी से, बिल्कुल उठाएंगे जी। श्री राहुल गांधी जी एक ऐसे सांसद हैं जो मछुआ समाज की आवाज़ उठाते हैं। चलिए आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि विदेश मंत्री अजय शंकर साहब हैं, क्या वो लोग आपकी आवाज़ को देश विदेश में उठाएंगे कि नहीं? जो सत्तासीन पार्टी है सभी को हमने ज्ञापन दे लिए, मगर मतलब इस समाज के लिए उनके पास ना तो कोई टाइम है और ना आगे किसी मंत्रालय से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से इस किस्म की कोई बात नहीं कर रहे। हमें ऐसा लगता है 2027 में जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उत्तर प्रदेश में, जब इस चीज़ को भुनाने का बीजेपी सरकार काम करेगी, उससे पहले हमारे समाज के लोगों की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अभी हाल में मैं एक राजनीति का आपसे सवाल लेना चाहूँगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी का जो फैसला दिया है, कोटे में कोटे का प्रावधान का, एससी और एसटी का पूरा आरक्षण मिला जाए दिया जाए तो 22.5% आरक्षण है, उसमें भी अब वो कोटा बनाकर जो अभी भी मुख्य धारा से जातियाँ पीछे छूट गई हैं उनको आरक्षण देने की बात कर रही है, कहाँ तक वो सही है आप बताएंगे? हमें तो ये बीजेपी का सारा एक राजनीति स्टंट लगता है, दबे कुचले समाज के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कोई षड्यंत्र लगता है। इसके सिवाय मोदी सरकार एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को कोई हक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। क्या लग रहा है जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप कैसे देखते हैं? वो भी एक राजनीति स्टंट है, इसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है। न्यायपालिका है, वो राजनीति का कोई गढ़ा नहीं है, इस देश का न्यायपालिका है, शीर्ष अदालत कहे जाने वाली है। न्यायपालिका में चंद्रचूड़ जी ने ईवीएम के ऊपर कितना संज्ञान लिया, मगर उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? वोट डालो राज करने की नीति तमाम फेसबुक ट्विटर और तमाम जगहों पे चल रहा है, क्या ये सही है? इस किस्म की जैसे अंग्रेज राजनीति करते थे उसी तरह से आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, फूट डालो शासन करो। तो आप लोगों ने किस तरह से देखा है यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे देश के लाखों जो मछुआरा समाज है, जिसे निषाद समाज कहा जाता है, वहाँ पे जुटा हुआ है और उनकी मांग है कि जो देश से मछली पकड़ते समय अन्य देश में चले गए हैं और उन्हें कैदी बनाकर रखा गया है, उन्हें रिहा कराएं मोदी सरकार, आप इस बातों को लेकर कैसे सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।